जमीन से निकला 1200 साल पुराना महल खासियत जानकर रह जाएंगे हैरान। पुरातत्व विभाग ने जमीन के अंदर से एक आलीशान महल ढूंढा है। बताया जा रहा है कि यह महल करीब 1200 साल पुराना है। यह महल इजराइल के दक्षिणी इलाके में बसे एक रेगिस्तान से मिला है। अब सोशल मीडिया पर महल की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। आलीशान महल को देखकर इलाके के लोगों के यूनिक रहन सहन और वहां के लोगों के बारे में जानकारियां मिली हैं। अधिकारियों ने बताया महल 8वीं या 9वीं शताब्दी की होने की आशंका जाहिर की जा रही है। जमीन के अंदर मिले आलीशान महल के बीच में एक बड़ा सा आंगन मिला है, जिसके चारों तरफ लोगों के रहने के लिए कमरे बनाए गए थे। एक सेक्शन में संगमरमर के काले शानदार दालान था। इसका फ्लोर पथरीला था और दीवार पर सुंदर सजावट की गई थी। पुरातत्व विभाग के लोगों को कांच के बर्तनों के टुकड़े भी मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि आंगन के नीचे कुछ पत्थरों से बने भूमिगत कमरे भी मिले हैं। लोगों का मानना है कि रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ पर ठंडक रहती होगी। इस जगह का इस्तेमाल सामान को स्टोर करने के लिए किया जाता होगा। जमीन के अंदर बने कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि उसे काफी मजबूत बनाया गया था, जिससे जमीन के अंदर से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता है। इन कमरों का एक सिरा एक कुंडे के पास खुलता है, जहां ठंडा पानी पीने की व्यवस्था थी। पुरातत्व विभाग का कहना है कि आलीशान महल और उसके अंडरग्राउंड कमरों को देखकर लगता है कि इसके मालिक बहुत संपन्न रहे होंगे। खास बात यह है कि उसी काल के आसपास की एक मस्जिद भी जून माह में खोजी गई थी।